रहे फ्रेंड, झाड़ू पोछा हमारा कंप्लीट हो चुका है। आप लोग नीचे देख रहे हैं, ये मेरा किचन है जो खाने दाल चावल रखे हुए हैं और दाल चावल हो रहा है और आप लोग को दिखा रहे हैं। देखिए हमारा दाल चावल, यहाँ पे चावल इस कुकर में, इसमें दाल है क्योंकि छुच्छी जो है एक ही है, एक छुच्छी खराब हो चुकी है इसलिए पहले चावल बना लिए उसकी छुच्छी, फिर निकाल के दाल वाले पे लगाए हैं। यहाँ पे रोटी है और नीचे सब्जी है, दूध है नीचे, वहाँ पे सब्जी है खाली, वो भी दूध है। इस डोलू में दूध, मौसम भी दिखा रहे हैं, काफ़ी सुनहरा मौसम आज हुआ है और बारिश भी हो रही है हल्की फुल्की, तो जो भी कपड़ा रहेगा फाइल हम नीचे डालेंगे क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा है और मौसम का लुक आप लोग को दिखा रहे हैं। ये पीछे का नज़ारा देख रहे हैं आप लोग, काफ़ी सुनहरा मौसम है और बारिश भी हो रही है, एक ही बूंदी पड़ रही है। तो चलिए हम फाइनली चलते हैं वॉशरूम में, कपड़ा वपड़ा धो लेते हैं, तब तक हमारी दाल होगी। दाल बैठा दिए हैं हीटर पे, दाल धीरे धीरे पकेगी, फाइनली हम कपड़ा धो लेते हैं। यहाँ पे लाए बहुत ज़्यादा कपड़ा नहीं, इतना सारा कपड़ा है। ये मेरा वॉशरूम है क्योंकि अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, देख रहे हैं। चलिए कपड़ा धुल करके आप लोग से मिलते हैं। तो फाइनली इसमें अब हम बारी बारी से मसाला डालेंगे। मेरा तेल गर्म हो चुका है, जो भी मसाला रहेगा आप डालेंगे, मर्चा नहीं डालेंगे, मर्चा बाद में डालना। इसमें डालेंगे लहसुन, लहसुन हो रहा है। तो फ्रेंड देख रहे हैं कटहल डाल के हम भून चुके हैं, अब इसमें डालेंगे सिरका। तो फाइनली मेरा मसाला कंप्लीट हो चुका है, सुनहरा रंग का हो गया है, इसको अच्छे से भून लेते हैं। हमारी खीर बन रही है, यहाँ पे आज हम नया चीज बनाने वाले हैं। यहाँ पे दाल की भुनाई कर रहे हैं, अब इसको चलते हैं सील बट्टे पे, पहले घिसते हैं यानी पीसते हैं, उसके बाद पूरी बनाएंगे। तो फाइनली दिखाएंगे हमारे यहाँ पूरी कैसे बनती है, तब फिर आप लोग से बाद में मिलेंगे। तब तक ऐसे बने रहिए हमारे वीडियो यानी ब्लॉग में। आटा गूंद के रख ली हूँ, यहाँ पे मेरा दाल का मसाला कम्प्लीट हो गया है। यहाँ पे तेल है, यहाँ पे तावा गर्म हो रहा है, यहाँ पे कढ़ाई है, इसमें तलेंगे, इसमें से सकाई करके फिर इसमें तलाई करेंगे। तो चलिए इसे बनी रही, फिर बन जाएगा तो हम आप लोग को दिखाएंगे। इतना सारी पूरी को तल चुके हैं, थोड़ा तावा पे बनाएंगे क्योंकि घर में कुछ लोगों को तेल खाना मना है, इसलिए थोड़ी पूरी तावा पे बनाएंगे।